तानसेन जी की कहानी पर्दे पर पेश करने से पहले हम ये आप पर जाहिर कर देना जरूरी समझते हैं कि तानसेन जी के वो हालात जिंदगी जो आम तौर पर मशहूर है उन्हें हमने वैसा ही फिल्म नहीं बल्कि सिनेमा आर्ट के लिहाज से उसमें थोड़ा सा हेर फेर किया है, क्योंकि हमें तानसेन जी को सिर्फ संगीत रत्न ही दिखाना मंजूर नहीं बल्कि उनकी हंसी, उनके दिल का दर्द, उनका सुख, उनका दुख, तर्क जिंदगी और साथ साथ ये भी बताना मकसूद है कि उन्हें किन किन वजूहात और किन हस्तियों की बदौलत शोहरत दबाव हासिल हुई। तानसेन जी को मुसीकार आजम बनाने में सबसे ज्यादा अकबर आजम का हाथ है। वो अकबर आजम जिसने मुल्कों पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी फतह पाई थी, जिसने फरमाने शाही की रूह से नहीं इखलास से, प्यार से, मोहब्बत से और अपने मुंसिफाना बर्ताव से संगीत का बेशभाव खजाना तानसेन जी से लेकर हिंदुस्तान के सुपुर्द किया। हमें उम्मीद है कि आप भी इसी नुक्ताए निगाह से इस फिल्म को मुलाजा फरमाएंगे। शुक्रिया। Thank you.
समझदारी का नमूना तो दिखा। सुनो सुनो, जानती हो कौन सा राग गा रहे हैं तू? मुझे क्या लेना देना है जानती? देने वाले ने इतना अच्छा गला दिया है, लेकिन अफसोस के रागदारी की समझ नहीं थी। सुनो, इसको इस तरह गाते हैं। मोर मचावे शो ये गाना बड़े आए गवैये बनके। बरसों गुरु की सेवा की है, जैसा चेला वैसा गुरु। ओ, अगर गाना सीखना है तो पनघट पे जा बैठो। पनहारियां गाती हुई आती हैं, गाती हुई जाती हैं, उनकी आवाज सुनके दरख्त भी झूमने लगते हैं। बाबा हरिदास का चेला तानसेन अब पनघट की पनहारियों से राग विद्या सीखने जाएगा। तानसेन, तुम हो तानसेन? तुम्हें कैसे मालूम? मैं तो बरसों के बाद इस गांव में आया हूँ। बचपन से तुम्हारा नाम सुनती चली आई हूँ, आज झगड़ भी लिए। हमें तुम्हारी आवाज बड़ी पसंद है, हम तुम्हें गाना सिखाएंगे। पहले हमारा ढोर ला दो, शाम हो गई। ढोर? गाय भैंसे? मैं तो उन्हें घेरने निकली थी, रास्ते में तुम घेर खड़े हुए। मैं उन्हें कहाँ चलाऊं? इधर उधर चरती होंगी, आवाज लगाओ चली आएंगी। आवाज लगाने से अगर जानवर आ जाए तो वो जानवर कैसे? आवाज में इतना भी असर ना हो तो आवाज कैसे?
बरसों के बाद घर आए हो बेटा, न कोई सुख दुख की कही न सुनी। मैं सोच रहा हूँ चचा कि फिर वापस चले जाओ। बुढ़ापे में एक तेरी आस धीर बंधाए हुए थी बेटा, बरसों की मेहनत के बाद गुरु से सुर की दौलत मिली थी, लेकिन फिजूल। क्यों? हम गए तो अनाड़ी हमारी हंसी उड़ाए। फिर जाने क्या कह रहे हो, हम तो कहते हैं आगरे का चक्कर लगाओ, अकबर शाह को गाना सुनाओ, झोलियां भर के दौलत खवाओ और शादी करो, कि नन्हे मुन्ने हमारे आंखों के सामने खेले। क्यों बुरी लगी हमारी बात? मुझे सोचने भी दो चाचा। पर क्या सोचते हो तुम? गाना और चीज है, असर और चीज है। बस गाना सीखने में 20 बरस गए, अब असर सीखने में और 40 लगा दो, इससे मैं गला जवाब दे जाएगा। देखते रहो चाचा, सुर में वो असर पैदा करके दिखाता हूं कि दुनिया बावली हो जाए। दुनिया को बावली करने से पहले खाना खा लो बेटा, भूखे पेट कभी कुछ नहीं हुआ। तुम तो पीछे पड़ गए हो चाचा, मुझे सोचने भी दो। खाओगे नहीं? नहीं। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था तुम्हारे आने की खुशी में न्यास दे दी, अब हवा खाके तो जीना बड़ा मुश्किल है बेटा। घबराहट किस बात की चाचा, जब मीठा सुर इंसानों को खींच सकता है तो अनाज के तो बोरे के बोरे यहाँ चले आएंगे। याद रख मगरूर लड़की, अगर तानसेन के सुर तुझे बेचैन न करके रख दे तो कहना। ज्यादा बेचैन न करना तानसेन जी, इकलौती बच्ची की माँ बाप की। रोटी तो पहले खा ले, तुझे तो रात दिन गाने की सुस्ती है। माँ कुछ रोटियां ज्यादा है क्या? मतलब बड़ी सड़क के उस पार एक फकीर बैठा, पहले तू खा ले फिर उसे दे आ। नहीं माँ, वो तो जिद लिए बैठा है कि अपने हाथ से नहीं खाऊंगा। बेचारा 15 रोज से भूखा है, सूंघ के कांटे की तरह लंबा हो गया है बेचारा। चाचा, ओ चाचा। क्या है? क्या लाई तानी बेटा? मक्के की रोटी, चने का साग। जी जी रहो बेटा। देखा चाचा, अभी तान पूरा छेड़ा था, गला छेड़ने दो, अनाज से कोठे भर जाएंगे। ए, 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 तुम्हारे लिए नहीं, चाचा के लिए माँ ने भेजा है। लो चाचा, बड़े आए सुरों का असर दिखाने वाले। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम बार बार हमारे यहाँ क्यों आती हो? हम तो चाचा के लिए खाना लेके आए थे। चाचा के लिए खाना? और पहले के दो चक्कर क्यों लगाए थे? गाँव में कोई नया जानवर आता है, आंखों वाले तो जरूर देखा करते हैं। वह कुमान करे री गोरी, कहे कुमान करे री गोरी, रंग गुलाबी नैनन में रंग गुलाबी, नैनन में
अब क्यों लाली भरे रे गोरे, अब क्यों लाली भरे रे गोरे, काहे कुमान करे रे गोरे, काहे कुमान करे। ये अखियां रस की पिचकारी, ये अखियां रस की पिचकारी, चितवन बाकी काहे तिहारी, चितवन बाकी काहे तिहारी, कौन चूक ऐसी भई हमसे, कौन चूक ऐसी भई हमसे, कछु ना समझ पड़े रे गोरे, कछु ना समझ पड़े रे गोरे, कछु ना समझ पड़े रे गोरे, काहे गुमान करे रे गोरे, काहे गुमान करे। अब कहिए घर क्यों नहीं जाते आप? तुम गा रहे थे ना, तो तुम्हें इससे क्या? मुझे नहीं तो और किसे सुना रहे थे? तू ना सुनती, पत्थर का दिल कहाँ से लाऊं? मेरा मतलब ये है किसी की चीख पुकार सुन तो जरूर ठहर जाना चाहिए। अच्छा हमने चीखना बंद कर दिया, तुम जा सकती। गोया आपको ये वहम हो रहा है कि हम आपके लिए ठहरे हुए थे। सुनिए, घर में मक्की की रोटियां पक रही हैं, एक एक रोटी पकते वक्त लगता है, खाने वाले अब्बा चचा मामू और फिर मेरी बारी। मेरा ध्यान तो चने के साग में था, ना जाने तुमने क्या गाया क्या नहीं। अब बताओ
आखिर वही काम आया ना अरे बाप, जिसको गांव वाले तमाशा कहा करते थे। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी। क्या? तुम्हारे गाने मोटी अकल वालों को बहुत पसंद आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? तानसेन। क्या काम करते हो? काम? खाते हैं और सो रहते हैं। हमें पहचानते हो? सिवाय ताने के और तानपुरे के और किसी को नहीं जानता। हम यहाँ के राजा हैं। आदावर, ये मंत्र क्या था जिसने मस्त हाथी को बिठा दिया? संगीत। ओ, ये असर है संगीत का? संगीत दुनिया में सबसे बड़ा जादू है, बशर्ते के गाने वाला गा सके तो। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी देंगे। माफ कीजिए, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि सिवाय संगीत के और किसी की नौकरी नहीं करूंगा। मगर दोस्ती का हाथ तो बढ़ा सकते हो। ये लो हमारी निशानी, दोस्त की हस्ती से तो आओगे ना हमारे यहाँ? जरूर आऊंगा। हम तुम्हारा जी बहलाने के लिए दुनिया भर के साज मुहैया कर देंगे। शुक्रिया। जाना था ना अपने दोस्त के साथ। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा तानी? एक बार महलों का मुंह देख लिया, फिर कहाँ की तानी और कैसी तानी। ये तो राजा है, अगर हिंदुस्तान का शहंशाह अकबर पैदल चलकर भी आए तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जिंदल्लाह सरदल्लाह मुल्कतहु व सल्तनतहु दरबार आम में रौनक अफरोज हो रहे हैं। सारे अजमत चिको हशाकत अदब के दामन को चूमते हैं। जुलू में शाही शमा के हथो दफर के परवाने घूमते हैं। जलाल अदब से पुकारता है कि शाहबत को शान आए। बिछाओ पलके के इकबाल और शहजादा सलीम की कोशिशों ने अहमद नगर और बीजापुर के सरकशों को कुचल डाला। अब उनके मजबूत किलों पर दौलत मुगलिया के इकबाल का परचम लहरा रहा है। महाबली के प्रताप ने अराकान और बंगाल के मजबूत किलों को सर कर लिया है। बंगाल की फतह ने सल्तनत मुगलिया के झंडे में चार चांद लगा दिए हैं। बंगाल के कोने कोने में शहंशाह की जय जयकार हो। आलमपना, दो दो मुल्कों के जीतने की खबरें सुनाई गई, तमाम दरबार मुसर्रत के नारों से गूंज उठा, लेकिन चेहरे अनवर पर खुशी की एक किरण भी नजर नहीं आई। हम तुम्हारे काफा शनासी की दाद देते हैं बीरबल। वाकई हमें तश्वीश है, तरद्दुद है, फिक्र है। फिक्र किस बात की जहां पना? बीरबल, हमें फख्र है कि हमारे नौरतन आसमान के नौ सितारों की तरह रोशन और बासर हैं। उनमें कमर है, अतारद है, मुश्तरी है, मगर जोरा नहीं है। हर एक रतन मौजूद है, लेकिन संगीत रतन की जगह खाली है। जब हम देखते हैं कि हर कुर्सी का बैठने वाला उठकर हमें अपनी सरफरोशी और कारगुजारी की दास्तां सुनाता है,
उसी वक्त हमारी नजर उस आखिरी और खाली कुर्सी की तरफ उठती है। काश उस कुर्सी का बैठने वाला भी मौजूद होता तो सब की तरफ वो भी उठकर अर्ज करता कि जहां पना मैंने सात सुरों के उतार चढ़ाव से ये राग और ये रागनियां तरतीब दी हैं, मुलायजा हूं। गुस्ताखी माफ़ो बंदगानी आली, हुजूर अक्दस के दरबार में सब कुछ मौजूद है, संगीत रत्न भी है, सिर्फ निगाह इंतखाब की देर है आलमपना। चिराग तले का अंधेरा मशहूर है, कदमों की खाक आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन शाही निगाहों को उसे ढूंढ लेना चाहिए। जैन खां, हमारा मंशा समझने में उजलत से काम न लो। इन तमाम कुर्सियों के जगमगाते हुए सितारे किसी मुल्क के बादशाह नहीं थे, लेकिन आज इनमें से हर एक की कीमत शहनशाहों के बराबर है और हमने इन्हें आम लोगों से चुनकर खास को खास बनाया है। तो ऐसा शख्स कहाँ मिलेगा महाबली? बीरबल, इस कुर्सी का बैठने वाला अमीर नहीं होगा, वजीर नहीं होगा, जरबख्त की कीमती पोशाकें पहनने वाला नहीं होगा। वो तो मौसीकी का आशिक होगा, संगीत का दीवाना होगा, फकीर होगा, मस्त फकीर। उसे सिर्फ एक ही धुन होगी, नगमे बनाऊं, तराने गाऊं और संगीत की दुनिया को चमका दूं। सुरों का बादशाह जंगलों में मिले, सहराओं में मिले, झोपड़ियों में मिले, गरीबों में मिले, लेकिन शाही दीवान खानों में नहीं मिलेगा। बहुत खूब बंदगाने आली, हमारे मौजी सुबेदार अपने अपने सुबों का दौरा करते वक्त ऐसे शख्स को आसानी से तलाश कर लेंगे। उन्हें तलाश करना ही चाहिए, अपने शहनशाह की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, हिंदुस्तान को संगीत की दौलत से मालामाल करने के लिए उन्हें संगीत रत्न को ढूंढकर हमारे हुजूर लाना चाहिए। बड़ा की गर्मी है, सस्ताने के लिए कहीं साया भी नजर नहीं आता। क्या पुरफिजा जगह है। ऐसे ही हमें परेशान किया। मैं पूछती हूँ कि इस जंगल में रखा ही क्या है जो हमें दिखाने लायक। तो इसमें कमी ही किस बात की है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसी जंगल की शान में एक शायर ने शेर कहा है। शायर ने शेर कहा है, क्या कहा है? कहा है, जहाँ भर का सामान राहत यही है, ये जंगल नहीं है, बहिश्ते बरी है। सब तुम्हारा, मेरा जी होगा। जैसे तुम वैसी तुम्हारी पसंद। मैं तो समझती थी कि हरा भरा जंगल होगा, रंग बिरंगी फूल होंगे, खूबसूरत पंछी होंगे। तभी तो अच्छे कपड़े पहन के आई। रही ना गवार की गवार। जी आंखें बंद करो। लो, मेरी नहीं अपनी। बैठो। बिठा। बाग लगा तुम सजनी, बाग लगा तुम सजनी, तोरे नैनन मानी हे, तोरे नैनन मानी हे, सुंदर सुखर सलोनी, बागल का तू सजनी, बागल का तू सजनी। तुम बसंत हो, तुम बहार हो, तुम बसंत हो, तुम बहार हो, तुम ही गीत हो, तुम पुकार हो, तुम ही गीत हो, तुम पुकार हो, तुम कोयल तुम सुख हमारी, तुम कोयल तुम सुख हमारी, सुख सुना मधुबनी, बाग लगा तू सजनी, बाग लगा तू सजनी। रंग बरंगे फूल खिलेंगे, रंग
बन के पंछी गले मिलेंगे, बन के पंछी गले मिलेंगे, दुल्हन बन कर कलियां हंसी, दुल्हन बन कर कलियां हंसी, देख देख मृगन पागल करूं सजनी, पागल करूं सजनी। जादू है, जादू जादू नहीं, ये संगीत की तासीर है। क्यों तानी, है ना भैंस से बनी? क्या नाम है तुम्हारा? माथे पे नाम खुदवा लो, जो आता है तुम्हारा नाम पूछता। मेरा नाम है तानसेन। चलो। कहाँ? आगरे। क्यों? वहाँ शहंशाह अकबर हैं। होगा हमें से क्या? उनके हुजूर में गांव चल के। क्यों? सुन के बहुत खुश होंगे। उनसे कहो तानी बनकर आ जाए और सुन जाए। तानी कौन? मैं तानी। मौसमी खिजा में बहार जिसके पांव चूमने आती है, ये है वो तानी, मेरा शहंशाह, मेरे दिल की मलिका। तुम दरबारे अकबरी के सबसे बड़े गवैये कहलाओगे। रास्ता पकड़ो, ये क्या पड़ी है जो परदेश जाए? राजा रामचंद्र कुछ कम है? पानी मांगो तो दो तीन नहरें बहाते हैं। ये राजा हैं, वो राजाओं के राजा हैं, ये बोलना नहीं बंद करें। चलो तानसेन, जिंदगी में ऐसे सुनहरी मौके बहुत कम आते हैं। अरे भैया रहने दे अपने सुनहरी मौके। हमें पीतल के ही अच्छे हैं। चलो। हीरा देकर कंकर लेने आया हूं महाराज, आपके लिए इससे खरा सौदा और क्या होगा? सुबह साहब की बात हमारी समझ में नहीं आई। राजकुमार के बदले मैं एक अदना सा आदमी मांगता हूं। ऐसा कौन आदमी है कि जिसे देकर हम अपने राजकुमार को खरीद सकते हैं? तानसेन। तानसेन? सुबह साहब, तानसेन पे मैं ऐसे हजार बेटे कुर्बान कर सकता हूँ। महाराज मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि शहंशाह आलम तानसेन का गाना सुन के सिर्फ राजकुमार को रिहा नहीं करेंगे, बल्कि इतनी दूर बैठे बिठाए आपको हुजूर की कुर्बत हासिल हो जाएगी। मुझे अफसोस है, तानसेन को मैं किसी कीमत पर भी बेचने को तैयार नहीं। मैं जरूर जाऊंगा महाराज। तानसेन? महाराज तुम नहीं जाओगे तानसेन। अगर शहंशाह अकबर तुम्हें दरबार में जगह दे सकते हैं तो हमने दिल में जगह दी है तुम्हें, और तुम जानते हो राजपूत जिसे दिल में जगह दे देते हैं। जानता हूं महाराज, और साथ ही ये भी जानता हूं कि महाराज की आंखों में बेटे की जुदाई के बादल हर वक्त छाए रहते हैं। राजपूत की आंखें बरसना नहीं जानती महाराज, लेकिन रात को ममता आंसू बनकर पलकें भिगोए रखती है। तानसेन जाहो हशमत के लिए शहंशाह के दरबार में नहीं जाएगा महाराज, लेकिन इन प्यासी आंखों की प्यास बुझाने के लिए जरूर जाएगा। तानसेन। महाराज एक आंख देकर दूसरी आंख का सौदा करना, ये कहां का न्याय है तानसेन? महाराज मैं फैसला कर चुका हूं, आप मेरा दिल न तोड़िए। फरमाइए साहब कब कुछ होगा? पहले ना और पीछे हाँ। मैं आपके शहंशाह को खुश करने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि दोस्त के लिए दोस्ती का फर्ज बजाने जा रहा हूं, समझे सुबह साहब? क्या कर रही हो तानी? देख रही थी आप आते हैं या नहीं। क्या बताया लकीरों ने? उल्टा बताया था, सीधा हो गया। लकीरें सच कहती है तानी, मैं जाने ही के लिए आया। कहाँ जा रहे हो? आगरे। अकबर शाह के पास? हाँ। आख दौलत में जीत लिया ना मोहब्बत को। ये बात नहीं तानी,
जीत आखिर मोहब्बत ही की होगी। मोहब्बत की जीत होती तो यह जुदाई की घड़ियां कभी ना आती। उन लोगों ने आपको सब्ज बाग दिखाए। उन लोगों के लिए नहीं तानी, मैं अपने दोस्त राजा रामचंद्र के लिए जा रहा। अच्छे दोस्त हैं जो अपने दोस्त को परदेश भेजकर खुश होते हैं। वो इस बात को कम मानते थे, अपने बेटे का बलिदान देना मंजूर था, मगर मुझे अपनी आंखों से ओझल करना नहीं चाहते थे। तानी, वो जीना भी क्या जीना जो महज अपने लिए जिया जाए। ऐसे तो जानवर भी गिनती के साथ ले रहे थे। क्या मतलब? मेरे वहां जाने से राजकुमार को रिहाई मिल जाएगी, इस बात को वो लोग मान गए। एक का दिल ठंडा करने के लिए दूसरे का दिल जलाना कहाँ का इंसाफ है। मैं कौल हार चुका हूँ तानी, मुझे जाना ही होगा। जाइए। इस तरह से नहीं तानी, तुम्हारी भीगी हुई पलकें मुझे सफर में चैन न लेने देंगी। आओ उठो, मुझे अलविदा कहो। मोरे बाला मन के साथी चला भूल गयो ना, क्यों गीत बुला के गाती मना भूल गयो ना। मोरे बाला मन के साथी चला भूल गयो ना, के काती मना भूल गयो ना। बिना झूले बाग हिंडोले बिना बाले नाम दे, बिना झूले बाग हिंडोले बिना बाले नाम दे, बिना पूछे रात जगानी, काहे चले मर नाम दे, काहे चले मर नाम दे। क्यों इतना घबराती बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मना भूल गयो ना, बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मना भूल गयो ना। मोरे बाला मन के साथी चला भूल गयो ना। दिल के दर्पण माही सजनिया लूंगा तुझे निहार से, दिल के दर्पण माही सजनिया लूंगा तुझे निहार से, जब गिरिया में सावन भागो, जब गिरिया में सावन भागो, लीजो हमें पुकार दे, लीजो हमें पुकार दे। साथी मैं घबरा दी तोरी मैं ना दो घबरा दी चला भूल गयो ना, तोरी मैं ना दो घबरा दी चला भूल गयो ना। बिछड़ी जोड़ी दिल जाती मना भूल गयो ना, चला भूल गयो ना, ओ मना भूल गयो ना। शहंशाह की सालग्रह का दरबार है और सालग्रह का दरबार संगीत से शुरू होता है। तुम दरबार की अदमत तो जलाल से घबराना जाना तानसेन। अगर मेरे मुर्शिद का साया मेरे सर पर है तो शाही दरबार क्या, मैं खुदा के दरबार में भी गाने से नहीं घबराऊंगा। शाबाश, ये देखो ये तमाम शाही गवैये हैं। क्या देखा? रात को ऐसा ख्वाब देखा,
शहंशाह मेरा गाना सुनकर इतनी खुश हुए कि जबरदस्ती हाथ पकड़कर मुझे नौरतन की कुर्सी पर बिठा दी। खाब का मामला जरा नाजुक होता है हुजूर, मगर आप ऐसा गाइए कि आपके बाद कोई गा ही न सके। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जिल्लल्ला फरदल्ला मुल्कतहु व सल्तनतहु दरबार आम में रौनक अफरोज हो रहे हैं। तुम्हारे अजमत शोह शौकत अदब से दामन को चूमते हैं। रूब शाही क्षमा के फतहो दफर के परवाने घूमते हैं। जलाल अदब से पुकारता है कि शाह पसंद इसको शान आए। बिछाओ पलके झुकाओ नजरे के शाहे हिंदुस्तान आए। इजाजत है बंदगानी आली। सुनाओ जैन खान। शहंशाह अकबर शहंशाह अकबर मेरे फैरुना शहंशाह अकबर जबलो यमन गऊ के जबलो यमन गऊ के करो अकबर भरत तुलासी शहंशाह कबलों जमन गऊंग करो तमन रस रंग जमीन कर रवन हरिहर शहंशाह। आरोही अवरोही में राग का ख्याल रखिए खान साहब। क्यों क्या हुआ, आप कौन है और आप क्या जानते हैं? मैं कोई नहीं और कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं कि आपने शुक्र बिलावल गलत गाया है। जिल्ले सुभानी, इस नौवारिद अजनबी ने शाही दरबार की तौहीन की। अजनबी जिल्ले सुभानी, एक तो शाही गवई ने गलत गाया, उस पर तुर्रा ये कि पखावजी का बायां अंगूठा नकली है जिससे थाप भी हल्की पड़ती थी और मालूम होता था कि खान साहब बेताले ही गा रहे हैं। ये हमारी हतक है, इंतहा से ज्यादा हतक है। हतक जब होती जब मेरा दावा गलत होता। मैंने जो कुछ कहा है सही कहा। जिल्ले सुभानी, गुलाम के तमाम सुर सच्चे थे और इस पखावजी का अंगूठा भी असली। जर्रा नवाज, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। इजाजत है। खुदावन, मेरा बायां अंगूठा वाकई नकली है। शाही मुलाजमत के खौफ से मैं इस पर हमेशा खोल चढ़ाए रहता हूं सरकार। जब एक एतराज सही निकला तो दूसरे को भी सही मानने में कोई शुबा नहीं रहता। अजनबी तुम्हें ये गलतियां किस तरह नजर आ गई? आलीजा, जिस तरह हुजूर मुजरिम को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये मुजरिम है, उसी तरह 100 सुरों में से अगर एक सुर भी गलत लगे तो गुलाम पहचान लेता है। मेरी तालीम का मकसद ही यही है कि दुनिया में गलत सुरों को रिवाज ना दिया जाए। तुम कौन हो अजनबी? जर्रा नवाज, यही है वो दीवाना ए मौसिकी जिसकी तरफ बंद गाने आली का इशारा था। गुलाम ने बचश्मा खुद देखा है कि इस दीवाने ने अपने नगमों की बरकत से खुश्क सहरा को गुलिस्तान इरम बना दिया। नाम क्या है? मौसिकी के इस आशिक को तानसेन कहते हैं आलीजा। तानसेन? तानसेन? तानसेन, आलम पनाह, तुम्हारे फन की मुनासिबत से किसी ने तुम्हारा नाम खूब रखा है। अब हमें भी अपनी खूबियां पहचानने का मौका दो, हम भी मुश्ताक हैं। जिस शख्स को ताल और सुरों की इतनी जबरदस्त मालूमात है
वो खुद कैसा गाता होगा। ये इंतहाई खुशनसीबी है कि ताजदार हक तकलीम मेरा गाना सुनने के मुश्ताक हैं। मैं हाजिर हूँ। गुस्ताखी माफ, इसके लिए मेरी एक शर्त है बंदगाने आली। मारूजा हो मेरे दोस्त राजा रामचंद्र के फर्जंद को फौरन रिहा कर देने का हुक्म सादर फरमाया जाए। हमने मंजूर किया। जैन खां, साजों को तरतीब दो, तानसेन गाएंगे। बिस्मिल्लाह, आइए। कौन से साज से शौक फरमाइएगा? वो देखिए, उसे कानून कहते हैं। वो विचित्र वीणा है, वो सरोद है, वो सारंगी है। कहा सा है? मेरे गुरु ने ये कहा है कि गाने के लिए साजों का पाबंद न रहना। अगर सुर सच्चे लग रहे होंगे तो हर साज अपने आप बजने लगेगा। बहुत अच्छा भाई, साज रहने दो, वो बगैर साजों के ही गाएंगे। हुजूर, जब बगैर साजों के गाएंगी? देखना तुझा, अभी भी सुरा हो जाएगा। भला कोई बगैर साजों के भी गा सकता है? सप्त सुरन तीन ग्राम गावो सब गुनी जान, इक्कीस मूर चना बान दान को मिला वो सब सुरन। Surah
ऐसा तुम रे अपने रब को जान सासुर साधो मन रे अपने रब को जान गान जो कुमार गान जो कुमार मध्यम मोक्ष तीन काम का वो सब गुणी जन एक समूर छना बन तन को मिलावो और संकीर्ण संपूर्ण राग वेद और संकीर्ण संपूर्ण राग वेद अलंकार भूषण राग को सजावो हमारे हुजूर हाजरी ने दरबार में गुस्ताखी करके हमसे पहले दाद देना शुरू कर दिया, लेकिन हम बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश, और सबको माफ करते हैं। जिस गाने में लोग जादू का शुबा करते हैं वो सिर्फ तुम्हारा गाना है तामसेन। कदर अफजाई है, ज़रा नवाजी है बंदगाने आली। नहीं, ये खुली हुई हकीकत है कि इससे अच्छा गाना हमने आज तक कभी नहीं सुना। अब हम रोज सुनेंगे, हम तुम्हें अपने करीब जगा देते हैं, वो जगह जो सिर्फ तुम्हारे लिए खाली थी। बीरबल जहां अपना करता था कि ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। कांसेन, आलम पना, हमारी पेशकश है, इसे कबूल करो। गवैये को इससे ज्यादा और कोई शय अजीज नहीं होती। बेशक बंदगाने आली, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। खजाना और जवाहरात मुझे इतनी खुशी नहीं दे सकते जितनी के इस्तानपुरे के मिलने से हासिल हुई। मैं इसकी सच्चे दिल से इज्जत करूंगा। तुम इस्तानपुरे के जरिए हिंदुस्तान को वो संगीत, वो नगमा, वो राग रागनी आता करो, चाहे एक दिन हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत बाकी न रहे लेकिन तुम्हारा संगीत बाकी रहे, चाहे एक दिन हिंदुस्तान अकबर को भूल जाए लेकिन तुम्हारा संगीत जिस वक्त लोगों के कानों में पड़े
उन्हें फौरन याद आ जाए कि ये तानसेन की बनाई हुई चीज है और तानसेन अकबर के दरबार का नौरतन था। शहनशाह का इरशाद सर आंखों पर, चाहे इसके लिए मुझे अपनी अजीज तरीन चीज क्यों ना छोड़नी पड़े, उसकी परवाह ना करूंगा। इन मुकद्दस कदमों की कसम, अगर जिंदगी ने वफा की तो हुजूर का एक एक हुक्म पूरा कर दिखाऊंगा। निसर निसधा अकबर आजम की ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया से बेनियाज होकर तानसेन जी राग रागनियां बनाने में मसरूफ है। निसर रे रे गा गा रे 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 रमजान खान का मकान यही है ना? रमजान खान हजूर तानसेन साहब के चचा। अरे हाँ रमजुमिया, वो क्या दर के नीचे सोया है? जनाब रमजान खान साहब। तानी 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 कुछ सुना? तानी कुछ सुना? आगे से घोड़े सवार आए हैं। एक छोट चार होंगे, हमें क्या? तानसेन ने भेजी है। तानसेन ने कहाँ है? रमजू चचा के घर में। क्या तुम्हें भेजा है तानसेन ने? हाँ। पूछ कब करना है? कल सवेरे। कल सवेरे? अच्छा तो मैं तैयार हो जाऊँ, चलते वक्त मुझे मेरे घर से ले लेना। क्या आपको भी आगरे जाना है? मेरा नाम तानी है। तानी मुझे लेने आए हो ना? जी नहीं, हम तो खान साहब रमजान खान की खिदमत में शाही तोहफे पेश करने आए हैं। ओ तानी बेटा यहाँ यहाँ। देख तानी बेटा, तानसेन ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है। तानी बेटा दिखा है शाही लिबास, अच्छा है ना? एक अंबा, ये मेरा सर है, तेरे बैठने के लिए छतरी नहीं बनाई। निकल। मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? नहीं। ओह तानी, तानी बेटा। Thank you.
बादशाह सलामत के दरबार में आने का वक्त हो गया। सरकार आप ही का तो पहला गाना है। ये गाना तो मेरी जान लेकर छोड़ेगा। शाही महल आप भी, मुझे भी शाही महल आप में जाना है। क्यों? ज्यादा क्यों नहीं करोगे तो नौकरी से निकलवा दूंगी। जानती हूँ मैं कौन हूँ। परवाना दिखाओ। ये लो परवाना। भाग यहाँ से वरना हवालात में दे दी जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? चल 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 चल। हम कहते हैं तुम्हारी नौकरी जाती रहेगी। मैं तानसेन की कानी हूँ। ए लड़की, तानसेन को ये सत्तू दे दो, वो अपने आप समझ जाएंगे। शहनशाह आलम के रूप में खास तुम्हारे सत्तुओं के भूखे नहीं। निकल यहाँ से। अरे मेरा नाम तानी है। तानी तानी हो या नानी, निकल यहाँ से। पक पक की जा रही है। हाथ हटा गया। घुमाओ। अरे पहना भी चुको बाबा। अब राजा भाई मोर बालमा ओदन भूलवर। अब राजा भाई मोर बालमा
वो दिन भूल गए। मेरी गली में आज सवेरे, मेरी गली में आज सवेरे, मारे पासों तेरे, मारे पासों तेरे, आँख में आँसू भर भर बोले, आँख में आँसू भर भर बोले, जीना लगे बिन तेरे, जीना लगे बिन तेरे, वो दिन भूल गए, अब राजा बजे मोरे बाल, वो दिन भूल गए। मालूम है आज हमारे सालगिरह है? किसे मालूम नहीं आलम पना? कोई बुलाने गया? शहंशाह आलम की सालगिरह और शाही कवैये को बुलावा भी जाए। तानपुरे के तारों में खोए हुए इंसान कब जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। जाओ हमारे नगमा सरा को बुला लाओ। बादप्पा बुलाए साहब होशियार, मलिका मुअज्जमा की सवारी आ रही है। तानसेन,
तुम्हारे खिलाफ एक गांव की लड़की फरियादी बन के आई है। मलका मजमा एक गांव लड़की की फरियाद सुन सकती है लेकिन किसी के दिल की पुकार नहीं सुन सकती। तानसन, दिल एक गोश्त का टुकड़ा है जो न सुन सकता है न बोल सकता, लिहाजा तुम्हारा बयान बिल्कुल गलत है। मलिका मौजमा के दरबार में झूठ बोलने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। मलका आलम दिल पर हाथ रखकर इसकी पुकार सुन सकती है। ये गुस्ताखी है तानसन। मलिका मौजमा का हाथ इंसाफ के लिए उठ सकता है, किसी के दिल पे जाने के लिए नहीं उठ सकता। खाकसर लाजवाब हो गया। हम खाकसर से ये पूछते हैं, खाकसर तानी के दिल से क्यों खेलता है? दिल दे के दिल लेने को खेल नहीं कहते मलका आलम, ये तो एक सौदा है। खामोश, सौदा करके परदेश चले जाने वाले सौदागर धोखाबाज होते हैं। हमारा हुक्म है शहनशाह अकबर के दरबार में तुम्हें आज ही इस्तीफा देना होगा। सूरज छुपने से पहले पहले तानी को लेकर आगरे से नहीं निकल गए तो हिजर की आग में जिंदा जला दिए जाओगे। जो हुक्म मलका आलम। क्या है, दरबार से बुलावा आया है? इस दरबार को छोड़कर हम उस दरबार में नहीं जाएंगे जहाँ पनाह ने आपको यहाँ फरमाया है। हुजूर, जहाँ पनाह से कह दो हमारी तानी आई है, हम नहीं आएंगे। जाओ। बंदगाने आली, खामोश क्यों हो? वो नहीं आते। सबब? एक मामूली लड़की। मामूली लड़की? एक लड़की के लिए दरबार में आने से गुरे शाही हुक्म की तोहीन, ये जुर्म गर्दन मार देने के काबिल है। हमारे दिलों पर अपने इल्म व कमाल से हुकूमत करने वाले तानसेन के दिल पर जो लड़की हुकूमत कर सकती है वो मामूली नहीं हो सकती। दरबार बर्खास्त। तानसेन, हम कौन? मेरे दिल की दुनिया। अदब से बात करो। ओ मलका मौजमा, हमारा काम क्या? हुकूमत करना, हुक्म चलाना। और तुम्हारा काम? हुजूर के इशारों को सर आंखों से बजा लाना। तो हम हुक्म देते हैं कि फौरन शहनशाह अकबर के दरबार में जाओ और शाह आलम की सालगिरह की खुशी में अच्छे से अच्छा गाना गाओ। जो हुक्म सरकार। बोलिए जहाँ पना, तानसेन पर किसकी हुकूमत ज्यादा चल सकती है, मेरी या आपकी? तुम्हारी। बड़ी खुशनसीब हो गई। जिसे शहनशाह के न्याज हासिल हो जाए उससे खुशनसीब और कौन होगा लीजा? जिसे तानसेन की मोहब्बत नसीब हो उससे खुशनसीब और कौन होगा? लेकिन जितनी खुशनसीब हो उतनी बदनसीब भी हो। उधर देखो, चौदहवीं का चांद निकल रहा है, वो छोटी सी बदली उसे अपने दामन में छुपा ले तो क्या होगा? क्या होगा अलीजा? सैकड़ों मुंतजर निगाहों से चांद छिन जाएगा। छिन जाएगा अलीजा? जंगल के मोर चकोर जो चांद को देखकर नाचने लग जाते हैं उनके दिल पे क्या गुजरेगी? टूट जाएंगे उनके दिल। किसी का दिल तोड़ना सवाब है या गुनाह? गुनाह। हम तुम्हें उस गुनाह से बचाना चाहते हैं। तानसेन संगीत की दुनिया का निकलता हुआ चांद है, तुम बदली बनकर उसे अपने दामन में न छुपाओ। जहाँ पना, हम जानते हैं तुम्हें सदमा होगा लेकिन जो औरत जानबूझकर एक शादीशुदा आदमी से दिल लगा बैठे। शादीशुदा? तानसेन तानी के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता अलीजा। तानसेन की शादी हो चुकी। हो चुकी? हाँ, वो रही उसकी दुल्हन जिसे हमने अपने हाथों दूल्हा के हवाले किया। तानी उसकी सौत नहीं बनती। जहाँ पना,
इस कुर्बानी के बदले में हम बेश कीमत जवाहरात दें। तानी अपने प्यार को बेचने नहीं आई आलीजा। हम उस प्यार की भीख मांगते हैं तानी, शहंशाह को भीख न दोगी? तानी, दर से भिखारी को ठुकराओगी तो हम तुम्हारे शहंशाह के हैसियत से तुम्हें हुक्म देंगे, और शहंशाह अकबर अपने हुक्म की अधूरी कभी बर्दाश्त नहीं करते। दिल के टुकड़े हो जाएंगे आलीजा। दुनिया अपने शहंशाह पे जान निसार कर देती है, तुम दिल की कुर्बानी नहीं दे सकती। उनका दिल टूट जाएगा जहां पना। यही तो हम चाहते हैं। तानसेन के टूटे हुए दिल से जो फरियाद निकलेगी दुनिया में यादगार बनकर रह जाएगी। आज तक जो हस्तियां आने वाली नस्लों के लिए अपनी यादगार छोड़ गई हैं, सबके दिल चूर चूर। लेकिन आलीजा, याद रखो, तानसेन ने हिंदुस्तान को जो यादगार संगीत देना है तुम्हारे मेल में नहीं दे सकेगा, जुदाई में देगा। मगर खुदावंद, मैं किस दिल से हाँ कहूँ? हिंदुस्तान के नाम पर हिंदुस्तान का शहंशाह हिंदुस्तान की बेटी से मोहब्बत की कुर्बानी मांगता है। आलीजा, बोलो तानी, तुम्हारा शहंशाह तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। आलीजा, आज से तानसेन आपका हुआ। तानी, मलका मौसमा, बड़े मियाँ, तानी कहाँ? वो चली गई हुजूर। चली गई? कहाँ चली गई? आलम पनाह तशरीफ लाए थे, कुछ ऐसा हुक्म दिया कि वो चली गई। आंखों से आंसू जारी थे, जाते जाते सिर्फ इतना कह गई कि हुजूर से हमारा सलाम अर्ज करना और कहना कि कुदरत को हमारा मेल मंजूर नहीं। कुदरत को या शहंशाह को? हुजूर, क्या है? शहंशाह आलम ने याद फरमाया है। शहंशाह आलम, तानसेन, आज हमारी सालगिरह, सल्तनत के कोने कोने में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन हमारे कान अभी तक तुम्हारे नगमों के मुंतजर हैं। दरबार में इंतजार किया, तुम नहीं आए। यहां भी आए हो तो चेहरे पर बगावत के आसार लेकर। दिल बगावत कर रहा है आलीजा, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भाग जाना चाहता है। शहंशाह अकबर से बात करते हुए अकलमंद तहमुल से काम लिया करते हैं। अब भी गादोगे तो हम तुम्हारी गुस्ताखियां माफ कर देंगे। जहां अपना तानसेन को तान पूरा समझे बैठे, जरा छेड़ दी आवाज आने लगी। आलीजा, गाना गले का नहीं, दिल का हुआ करता है। शहंशाह अकबर गाने वाले की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से गाना सुनते हैं। तानसेन किसी की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से गाता है। तानसेन, तुम शहंशाह के हुक्म उदूली कर रहे हो। हुक्म उदूली के बस सर दे सकता हूं, जहां पना गाना नहीं गाऊंगा। हमसे कुछ नाराज हो तानसेन? बेहद नाराज, बल्कि गुस्सा भी है आलीजा। तो गुस्से का राग गाओ, लेकिन गाओ जरूर। आज हम तुम्हारा गाना सुनकर ही रहेंगे।
खासकर मजबूर है आलम पना तो मजबूरी में गाओ। आंख में आंसू दिल में दर्द लेके कोई क्या गाए, अपने दर्द का इजहार करते हुए गाओ, रोते हुए गाओ, लेकिन गाओ जरूर। गा लिया जितना गाना था। तुम नहीं गाओगे तानसेन? आप शहंशाह हैं, फांसी का हुक्म दे सकते हैं लेकिन तानसेन को गाने का हुक्म नहीं दे सकते। तानसेन याद रखो तुम हमारे नौकर हो। कह दिया ना जहां पना, आप फांसी पर चढ़ा सकते हैं लेकिन जबरदस्ती गाना नहीं गवा सकते। आखिर इस इनकार का सबब? दिल ठिकाने नहीं। दिल कब ठिकाने होगा? जिंदगी भर नहीं। आपने अपनी सालगिरह की खुशी में इनाम ही ऐसा बख्शा है आलम का, जो मेरे दिल की दुनिया थी, जो मेरा गाना थी, उसी को आपने मुझसे अलग कर दिया। तानसेन आखिर नहीं गाओगे तुम? नहीं जहां पना, मैं तानी बगैर तड़पू, आप मेरा गाना सुने बगैर। कैसे
तानसेन, मरहबा तानसेन, तुम गुस्ताख और बेअदब बनकर हमारे हुजूर से चले आए, फिर भी तुम्हारे इस दर्दनाक नगमे ने हमें तड़पा दिया और हमें मजबूर कर दिया कि हम खुद चलकर तुम्हें दाद दें। सुभान अल्लाह तानसेन, ये गाना नहीं था आलमपना, ये मेरे टूटे हुए दिल की पुकार थी जिसका सबब हम हैं। हमें एतराफ है तानसेन, और अफसोस भी है कि हमारी वजह से तुम्हारा दिल टूटा, लेकिन हम चाहते थे कि वो टूट जाए। क्यों आलीजा? क्योंकि दुनिया की बेहतरीन मौसीकी, बुलंद शायरी हमेशा टूटे हुए दिलों की एहसान मंद है, और हम चाहते हैं कि तुम्हारे दुखे हुए दिल से जो संगीत निकले वो हिंदुस्तान में अमर बनकर रहे। हुजूर, आलम पना ने तानसेन को सर चढ़ाया तो तानसेन ने सबसे पहले आलम पना की ही तोहिन की। हम मजे आएंगे प्यारे खान, बादशाहों के मिजाज में इतना तहमुल नहीं होता, आखिर कब तक किसी की नहीं बर्दाश्त करेंगे। चढ़ाओ कुर्सी का मतलब लोहे पे चने चबाना है सरकार, ये तो आप ही का दम था, हुक्म हुआ और गाना शुरू। घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मजमून है भाई, हम तो फतेह की कहते हैं हुजूर, वो कुर्सी आखिर आप ही को संभालनी होगी। हुजूर, शाही महल का ख्वाजा सरा पैगाम लेकर आया। आने दो। आइए। हजूर, हकीम साहब ने आपको याद फरमाया है। महल में? शहजादी साहिबा के महल में, मैं साजिंदों के बुलाया है। आखिर मेरी ही जरूरत पड़ी है, आज मैं भी संगीत के वो जौहर दिखाऊंगा जो किसी के ख्वाब व ख्याल में भी ना आए। हाँ साहब, मरवाड़ी के मुरक्कब, खमीरे जवाहर वाले, जमरुद के कुश्ते, सब के सब आजमाए, लेकिन शहजादी साहिबा की तबीयत दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। फरमाइए, खाकसार क्या खिदमत कर सकते हैं? जी बहलाइए शहजादी साहिबा का, कुछ गाइए कि जरा बेचैनी दूर हो जाए। जान हाजिरी, हमारी तो ये दुआ है कि खुदा बंदे ताला उनकी बीमारी हमें दे दे। गाना भी एक जादू है खा साहब, जिसका असर दवा और दुआ दोनों से फौरी है। जारी खान, बहार की तिलवत शुरू की। Dunkiri tak dunkiri tak giri giri da, da 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 dunkiri tak dunkiri tak giri giri da, da 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 dunkiri tak dunkiri tak giri giri da, da 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 dunkiri tak dunkiri tak giri giri tak dunkiri tak dunkiri tak tak dunkiri tak 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 रहे
बीमारी में कोई राग भी पसंद नहीं आएगा। नजमा, खान साहब से कहो कोई कमाल का गाना सुनाए। शहजादी साहिबा फरमाती है कोई कमाल का गाना सुनाइए। शहजादी साहिबा से दरियाफ्त कीजिए, इंडोल सुनेगी। उनसे कहो वैसा कमाल दिखाए जैसा दरबार में तानसेन जी ने गाकर दिखाया था। संगीत में कमाल तो सिर्फ एक ही राग को नसीब है। कौन राग है वो? दीपक। दीपक? जी हाँ, जिसके सुर शुरू होते ही पानी खोल उठता है, बुझे हुए चिराग खुद ब खुद जल उठते हैं। नजमा, खान साहब से कहो दीपक गाओ। दीपक गाए खान साहब? दीपक तो सिर्फ तानसेन जी गा सकते हैं, खाकसार मजबूर। इन लोगों को जाने दो। हुजूर, आपने तो गजब कर दिया। क्यों क्यों? दुश्मन के एक बाल को चार चांद लगा दिए हैं। तानसेन ने दीपक गा के शराब जला दिए तो उसका सिक्का बैठ जाएगा। शतरंज की चाल को तुम लोग नहीं समझ सकते। दुश्मन जिधर का रुख करेगा मार खाएगा। हुजूर वो कैसे? अब्बल तो वो गाने से इनकार करेगा जिसका नतीजा होगा फांसी का तख्ता। अगर गा दिया और चिराग न जले तो सारे मुल्क में नौरतन की हंसी उड़ जाएगी, और अगर चिराग जल गए तो गाने वाला खुद जल जाएगा। याद रखो, दीपक के जलों पर दुनिया की कोई दवा कारगर नहीं हो सकती। अब समझे जैन खान जी? क्या पानी खोलने लगता है, बुझे हुए चिराग जल उठते हैं, ये जादू तो हम जरूर देखेंगे। कोई और सवाल करो बेटा, फौरन पूरा कर देंगे। हम दीपक जरूर सुनेंगे। तानसेन नहीं गाएगा। आपका मुलाजिम और आपकी हुकूमत लेकर? वो मुलाजिम शाहों का शाह है, गला उसकी सल्तनत। हम कहां उसकी सल्तनत छीनना चाहते हैं। दीपक की जगमगाती हुई नगरी की सैर करा दे बस। इतने बड़े शहंशाह की लड़की इतनी छोटी सी भीख मांग रही है। जाने पिदर, इसके बदले में दुनिया की नायाब से नायाब चीज मांग लो। जिस घर में पानी की जगह दूध, तेल की जगह इस और खेलने के लिए हीरे मिले हो, वहाँ कौन सी हसरत बाकी है? अब्बा जान, ख्वाहिश है तो सिर्फ यही कि तानसेन दीपक गाए और बुझी हुई शमा जल जाए। अगर ये नामुमकिन है तो ना सही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, हम अपनी बेटी को ये तमाशा जरूर दिखाएंगे। अब्बा जान, तानसेन जी से कहो माँ बदौलत याद फरमा दे। आली जाने मुझे याद फरमाया। तानसेन, शहजादी तुमसे दीपक सुनना चाहती है। मैं मजबूर हूं जहां पना। उस मासूम का दिल न तोड़ो, वो देखना चाहती है कि बुझे हुए चिराग संगीत की तासीर से कैसे जल उठते हैं। आली जा, मैं जानता हूं तानसेन कि तुम मेरे हुक्म से तो गाओगे नहीं, लेकिन ये मेरी बच्ची की जिंदगी और मौत का सवाल है। दीपक गाने वाले के दिल में उस शोले की जरूरत है आलमपना, जो चारों तरफ आग लगा दे। तानसेन के बुझे हुए दिल में वो शोला कहाँ? जो शख्स खिजा में गुल खिला सकता है वो क्या नहीं कर सकता। अब वो बात कहाँ रही आलमपना, मैं माफी चाहता। अगर तुम्हारी बच्ची बिस्तर मर्द पर हो और उसकी आखिरी ख्वाहिश दीपक सुनने की हो तो क्या नहीं सुनाओगे उसे? शहंशाह की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बीमार बच्ची के बाप की हैसियत से अकबर तानसेन के हुजूर में दरख्वास्त करता है कि हुजूर मेरी लाडली को बचाइए।
आपके गले में खुदा ने वो सोच भर दिया है कि दीपक का हर सूर शोला बन के निकलेगा, हजारों चिरागों को रोशन करते हुए मेरे घर के चिराग को भी रोशन कर देगा। हाँ कहिए कांसेन जी, हाँ कहिए। मैं गाऊंगा आलिया। शाही महलात के तमाम चिराग बुल करा दो, कांसेन जी दीपक गाएंगे। हिंदुस्तानी संगीत के सर पर ताज पहना दिया, तारीफ के तमाम अल्फाज तुम पर निछावर। हम बहुत खुश हुए तानसेन, बहुत खुश। मुझ जैसे हजार तानसेन शहजादी पर कुर्बान हूँ, उम्र दराज हो आलम बानू। और तुम भी जिंदा रहो तानसेन। जिंदाबाद तानसेन, जिंदाबाद। तानसेन जिंदाबाद। आलम पना, राग ने वाकई अपनी तासीर दिखाई, अब शहजादी की हालत बहुत अच्छी है।
उनका बदन आग की तरह जल रहा है। पानी और पिलाओ बड़े मियाँ। फिरोज पानी लाओ। मुनव्वर जाओ हकीम साहब को बुला लाओ। कुछ फायदा होता नहीं हुजूर, हर किस्म के बुखार की सैकड़ों दवाएं आजमा चुका हूं, लेकिन खुदा मालूम ये कौन सा बुखार है। बदन छुआ नहीं जाता, सांस में आग के शोलों की लपट है। ये क्या हो गया आजम खां, अगर तानसेन मर गए तो हम बूढ़े हो जाएंगे। हमारा रुआ रुआ तानसेन का एहसान मन है, जिसने शहजादी के मुर्दा जिस्म में दोबारा जिंदगी की हरारत पैदा कर दी। वो तानसेन हमें शहजादी से कम प्यारा नहीं है, उसे मौत के आगोश से छीन लो। शाही तबीब, हम उसे किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहते। जहां पना कोई चारा नहीं। कोई चारा नहीं, समझ लो तानसेन नहीं अकबर मर रहा है। अलम पना तुम थक गए, मायूस हो गए, लेकिन अकबर मायूस नहीं है। पेश खिदमत, खजानों के मुंह खोल दो, ऐलान कर दो कि तानसेन के अच्छा करने वाले को तानसेन के बराबर जवाहरात तोल कर बख्शे जाएंगे। जाओ आजम खान, कोशिश करो फिर कोशिश करो। खुदावन, जिस वक्त जन खाने शहजादी साहिबा के सामने तानसेन से दीपक सुनने की तजवीज पेश की थी, मैं उसी वक्त समझ गया ये दुश्मनी है, साजिश है, क्योंकि मैं सुन चुका था कि दीपक गाने वाला क्षमा रोशन कर सकता है, मगर खुद भी क्षमा की तरह जल जाता है। क्या पेश खिदमत, जैन खां को। आप लोग अब समझे जैन खां की चाल। क्या है, क्या वो मर गया? मरा मरा कोई नहीं, अपनी मौत आ रही है। गिरफ्तार कर लो इन सबको। ए, क्या आदमियों को भूलते हो, ये सब लोग शाही गवैये हैं। क्या देखते हो, पकड़ लो चलो। मगर तानसेन तो मर गया ना? नहीं, जिंदा है। पानी, बीरबल, तुम इतनी बड़ी सल्तनत चला रहे हो, हमारे दिल की दुनिया लूटी जा रही है और तुम देख रहे हो। शहजादी की जिद ने हमें बर्बाद कर दिया। हाथ उठाओ बीरबल, दोनों मिलकर दुआ मांगे। परवरदिगार, अगर शहजादी के बदले हमें हिंदुस्तान का हीरा देना पड़ता है तो शहजादी ले लो। बच्चे मिल जाते हैं, तानसेन दूसरा नहीं मिलेगा। यहां पना, संगीत में अगर दीपक आग लगाता है तो उस आग को बुझाने वाला भी कोई राग जरूर होगा। तुम ठीक कहते हो, वरना कभी कोई दीपक न गाता। और ढोंडी पिटवा दो, जो दीपक का तोड़ गाएगा 10 गांव इनाम पाएगा। यहां अपना मालूम हुआ है कि मेघराग गाने से पानी बरसता है और वही पानी दीपक की आग बुझा सकता है। मिला कोई मेघ गाने वाला? अभी तक कोई नहीं मिला। 10 की जगह 20 गांव देंगे, लगान माफ कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती तो आप हमारे कान में गाने की आवाज नहीं आए। खबरदार किसी ने तानपुरा छेड़ा था। तानसेन, हम लाचार हो गए, शहंशाह पर लाचार हो गया। क्या
जान के बदले हम अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन खुदा बंदे करीम ने हमारी पुकार पर कान बंद कर लिए। आलम बना, मुझे एक पालकी मंगवा दीजिए। कहाँ जाओगे? बांधोगढ़, अपने दोस्त राजा रामचंद्र के पास। यहाँ बुलवा भेजते हैं उन्हें? आलम बना, मैंने उसे कॉल दिया था कि मरने से पहले एक दफा बांधोगढ़ जरूर आऊंगा। हम तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं करेंगे तानसेन। मेरी इल्तिजा कबूल फरमाई जाए जहां अपना, वरना रूह तड़पती रह जाएगी। ठहरो, मैं कहता हूँ ठहरो ठहरो, पालकी नीचे उतार दो आहिस्ता। पानी पानी लाओ। बीमार है आप? बड़े मियाँ सरकार। पानी बड़े मियाँ। हुजूर, पनिहारियों से कहो सब घड़े मेरे सिर पे डाल दें। लो पियो पानी। मेरे सिर पे डाल दो, उलट दो घड़ा। पगला मालूम होता है तुम। मुंह क्या तक रही हो? डालो पानी, पानी डालो, मैं फूका जा रहा हूँ। तानसेन तानसेन तानी, अच्छा हुआ मरने से पहले तुम्हारी सूरत भी देख ली, वरना जान बड़ी मुश्किल से निकलती। ये क्या हाल बनाया है? दीपक गाया था हुजूर ने। दीपक गाने से ये हाल हो जाता है? जल जाता है गाने वाला। गाना सुन लिया अकबर शाह ने, अपना दिल खुश कर लिया, लेकिन इतने बड़े शहनशाह से मेरे तानसेन का इलाज ना हो सका। मर गए थे शाही हकीम सारे के सारे। हर जगह ऐलान कराया था जहाँ पना ने, लेकिन मेघमल्हार गाने वाला कोई न मिला। मेघमल्हार गाने वाला क्यों चाहिए था? दीपक की आग का तोड़ मेघमल्हार ही है। वजीर साहब ने फरमाया था, जैसे दीपक आग लगाता है वैसे ही मेघमल्हार पानी बरसाता है। ये आग वही पानी बुझा सकता है। अच्छा दुआ करो पानी बरस जाए। Yeah, I'm
बताया लकीरों ने कमबख्त सीधा बता रहे हैं। मगर अब आप ठहरे शहनशाह के नौरतन। वो तो हैं। आपके रहने के लिए चाहिए शाही महल, शहनशाह की हुजूरी। शहनशाह की हुजूरी नहीं, मलका मुअज्जमा सुल्तानी बेगम की हुजूरी। ये नामुमकिन है, मैं शहनशाह को कॉल दे चुकी। अगर तुम्हारा कॉल भी रहे और तुम भी मेरे पास रहो तो? वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारी जुदाई में तो मैं कुछ नई राग रागनी बना नहीं सकता, अब तुम्हारे मेल में नए नए राग बनाऊंगा, नई नई रागनियां बनाऊंगा, शहनशाह अकबर की खिदमत पेश करूंगा और इनाम में तुम्हें मांग लूंगा। नहीं नहीं हाँ बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मैना भूल जइयो ना, मोरे बाला पन के साथी छैला भूल जइयो ना, बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मैना भूल जइयो ना, बीत गए दुख के दिन बाल माया कबाते खबरे, बीत गए दुख के दिन बाल माया कबाते खबरे, और
भटक भटक कर पंछी तेरा, भटक भटक कर पंछी तेरा आया अपने गाँव रे, आया अपने गाँव रे। मैं हक हक गाती मेरा उजड़ा बाग खिलाती, तेरी मैना हक हक गाती मेरा उजड़ा बाग खिलाती। मैना भूल जइयो ना ओ थैला, भूल जइयो ना ओ मैना, भूल जइयो।